पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आसमान में घिरे बादल रिमझिम बरसती फुहारे, रंग बिरंगी सजी कांवड़े, गंगाजल भरे हुए कलश को लेकर चलते कांवड़िए, भोलेनाथ की झांकियों को खींचते श्रद्धालु, डीजे पर बजते भजन, भंडारों में नृत्य करते शिव पार्वती, राधा कृष्ण के स्वरूप, वातावरण में घुली पकवानों की महक, कांवड़ियों की सेवा करते भंडारों में सेवादार, कुछ ऐसे ही भव्य नजारे दिल्ली रोड पर देखने को मिले। रग रग में श्रद्धा और हर पग में भक्ति की तरंग दिखी। सुबह तड़के से शुरू हुआ कांवड़ियों का सैलाब देर रात तक जारी रहा। सावन के चौथे सोमवार को भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए सड़कों पर भगवा रंग का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भोले बाबा के जयकारों से शहर गूंज रहा था। चारों तरफ भोले के भक्तों की टोलियां नजर आ रही थी। दिल्ली रोड पर सुबह से रात भर पैर रखने तक के लिए जगह नहीं मिली। जिधर भी नजर जा रही थी भोले के भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा था। कदम कदम पर लगे शिविरों में प्रसाद ग्रहण करने के लिए भक्तों का हुजूम एकत्र हो गया। डीजे पर भोलेनाथ के भजन बजते रहे और झांकियां मनमोह रही थी। खड़ेश्वरी कावड़ के साथ डाक कावड़ और बैकुंठी कावड़ की धूम रही। भोले बाबा की बारात में युवा ही नहीं बल्कि बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों का उत्साह भी देखने लायक था। श्रद्धालुओं के उल्लास की स्थिति ये थी कि राहगीरों को लोकोशेड पुल से कांगन पुल तक पहुंचने में ही 2 से 3 घंटे तक का समय लग गया। परिवार की महिलाओं ने रूली तिलक लगाकर उन्हें विदा किया। शनिवार रात से ही उनका लौटना शुरू हो गया था। रविवार दोपहर बाद कांट रोड पर कांवड़ियों की संख्या कुछ कम हो गई, लेकिन दिल्ली रोड पर देर रात तक लाइन लगी रही। डीजे पर बजते भजन उनके उत्साह को दोगुना कर रहे थे। इसमें मौसम ने भी उनका पूरा सहयोग किया। हर 10 से 15 मिनट की दूरी पर एक भोले का बेड़ा था। प्रत्येक बेड़े में 50 से 60 सदस्यों का जत्था था। कंधे पर कांवड़, पैरों में घुंघरू और तन पर भगवा वस्त्र पहने भक्त भोले की भक्ति में झूमते हुए अपने गंतव्य को गए। कांवड़ियों के नंगे पैरों में कंकड़ पत्थर चुभ रहे थे, लेकिन शिव शंकर की धुन में वो ये दर्द भी हंसते हंसते सहकर आगे बढ़ रहे हैं। सावन का चौथा सोमवार और भक्तों की भारी भीड़ मुरादाबाद में आज देखने को मिल रही है। ब्रजघाट से शुरू हुई यात्रा मुरादाबाद और बरेली तक ये लोग पहुंच रहे हैं। आज मुरादाबाद में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। कांवड़िए ब्रजघाट से जल लेकर पहुंचे हैं, हरिद्वार से भी मुरादाबाद जल लेकर पहुंचे हैं, लेकिन आज मुरादाबाद का एक नज़ारा कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लाखों की तादाद में ब्रजघाट से जो कांवड़िए हैं वो जल लेकर पहुंच रहे हैं और उनकी सेवा के लिए मुरादाबाद में जगह जगह पर भंडारे का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भोले यहाँ पर हैं, पीछे भंडारे आयोजित किए जा रहे हैं। भोले क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रहे हैं? गढ़ से। अच्छा, कैसी रही ये यात्रा और इस यात्रा में क्या विशेष रहा आपके लिए? बढ़िया रही। क्या ले, किस तरह से इस यात्रा को पूरा करते हैं? पूरा तरह अच्छा करा है। कितने दिन की यात्रा रहती है? 3 दिन की। देखिए, इनका ये कहना है कि 3 दिन की ये यात्रा रही है मुरादाबाद में। 3 दिन पहले मुरादाबाद से ये ब्रजघाट के लिए रवाना हुए थे, लेकिन अब ब्रजघाट से मुरादाबाद वापस 3 दिन की यात्रा पूरी करके वापस लौट रहे हैं। मैं अभी अपने सहयोगी से कहूँगा कि जो यहाँ का जो नज़ारा है वो दिखाएं, किस तरह का माहौल है यहाँ पर, और जो जो यहाँ पर लाखों की तादाद में जो कांवड़िए हैं उनके परिवार के लोग यहाँ पर उन्हें रिसीव करने पहुँच रहे हैं। और सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि कांवड़ियों से बातचीत करना क्या कोशिश करें। भोले कहाँ से आ रहे हैं आप? ब्रजघाट। अच्छा, कैसी रही है यात्रा, कितने दिन की यात्रा रही है? हमारे 4 दिन की। अच्छा, क्या कहते हैं, मतलब क्या सोचकर आप कांवड़ लेकर आते हैं और कैसी यात्रा में किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? वो नियम करने पड़ते हैं सारे। तो ये वो भोले हैं, देखिए ये वो भोले हैं जो कड़ी तपस्या करने के बाद मुरादाबाद पहुंच रहे हैं, और ये कोई पहला ही नज़ारा नहीं है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जगह पर, अलग अलग जगहों पर भोले अपनी भक्ति को पूरा करते हुए शंकर भगवान की भक्ति में जल लेकर मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। अब देखना, अभी देखिए पीछे का भी माहौल है। हालांकि भोले बाबा लगातार उनकी जो यात्रा है उसको सुगम बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि बारिश लगातार वो यहाँ पर कर रहे हैं। और सीधे तौर पर मैं आपको तस्वीरें मुरादाबाद से दिखा रहा हूँ, क्योंकि 4 दिन की ये यात्रा भोले के भक्त यहाँ पर
पूरी करते हैं और शिव भगवान पर सोमवार, कल चौथा सोमवार होगा और चौथे सोमवार में ये भक्त अपनी जो चौथा सोमवार होगा, इस चौथे सोमवार में भगवान शंकर को ये जलाभिषेक करेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, खबर फास्ट, मुरादाबाद। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।